cherish. And what a moment for the fans as well. Beautifully bowled, finger is red. Oh, massive moment in this game. बड़ा अच्छा मुकाबला खेला पाकिस्तान और बहुत बहुत मुबारक हो इसलिए कि टेस्ट सीरीज के बाद टी20 आई की सीरीज भी जीते और साउथ अफ्रीका जिसको कहते हैं ना कि ये टुच्ची टीम नहीं है, हल्की टीम नहीं है, इनकी एक मार्केट है और बहुत बड़ा टूर था पाकिस्तान के लिए क्योंकि इस सीरीज के बाद, इस टूर के बाद एक बड़ी टीम यहाँ पे आई, बड़ी मुद्दतों के बाद बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलेंगे, अच्छी टीम्स यहाँ पे आएंगी और सन 2022 में बड़ी बड़ी टीम्स यहाँ पे आएंगी इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। मगर एक तरह से घर में सीरीज जीतना गिवन समझा जाता है पाकिस्तान के लिए और लड़ना पड़ा। टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड में मार खाने के बाद वो टेस्ट सीरीज जीते और फिर टी20 आईज में तो किसी ने साउथ अफ्रीका को कोई चांस ही नहीं दिया था क्योंकि सब ने समझा ये टीयर टू की टीम है और आसानी से पाकिस्तान इनको हरा देंगे, मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने मुकाबला बराबर किया और ये जो आज का मैच था एक तरह से फाइनल था और फाइनल का प्रेशर अलग होता है और पाकिस्तान ने की भी चेंजेस, तीन चेंजेस कर दी। जाहिद महमूद को खिलाया गया लेग स्पिनर, दो लेग स्पिनर्स के साथ गया और मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए पाकिस्तान की आगे चल के, खासतौर पर जब घर पर खेलें ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड को, तो खुरदरी पिच बना के स्पिन के थ्रू आप डोमिनेट कर सकते हैं। मगर टेम्परमेंट शानदार था जाहिद का और कहीं से ऐसे नहीं लगा कि वो दबाव में है, बहुत अच्छी इंक्लूजन और उनको फल मिला जो उन्होंने मेहनत की हुई थी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। अच्छी बात यह कि बहुत सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स को मौका दिया गया इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20s में भी और टेस्ट मैच में भी, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल के भी ऐसे ही मौके मिलेंगे खासतौर पे यंगस्टर्स को। देखिए बाबर आजम के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज थी एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, और ये सीरीज जीतने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी भी पाकिस्तान को दो एक चीज़ें ठीक करनी है, फॉर एग्जाम्पल पावर प्ले में पाकिस्तान की हिटिंग उस पाए की नहीं है जैसे कि एक इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग टीम की होनी चाहिए। फिर मिडिल ऑर्डर में आपको एक हैवी वेट चाहिए, मिलर टाइप का बैट्समैन। मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर से अपने आप को ही दोहराऊंगा कि शुएब मकसूद को चांस देना चाहिए, वो भी चौके छक्के लगाते हैं और चार ओवर की भी विंडो काफ़ी होती है चौके छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए क्योंकि मैच का पासा पलट देते हैं। अभी मिडिल ऑर्डर में कुछ इस तरह का बैट्समैन दिख नहीं रहा। इसी तरह से टेस्ट मैच में पाकिस्तान को ओपनर्स के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि अगर घर में ओपनर्स स्कोर नहीं कर रहे हैं तो फिर मसला है। इसी तरह से बाबर आजम इंजरी के बाद वापस आए, उनको भी एक तरह से हार्श लेसन झेलना पड़ा क्योंकि पहली दफ़ा उनके साथ ये था कि उनके बैटिंग में थोड़ा सा रिदम चला गया था और वो इंजरी की वजह से था। और फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ उनकी जो है वो परखी गई, टी20 की लीडरशिप और है और टेस्ट मैच की लीडरशिप और है, बट ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये टफ मैच था पाकिस्तान के लिए और टफ बनाया मिलर ने, चौके छक्के लगाए और कड़ाके निकाल दिए पाकिस्तान के, और आगे चल के PSL में भी देखने का मौका मिलेगा मिलर को। अच्छी बात यह है कि नवाज की वापसी हुई, उन्होंने मौके के ऊपर विकटे ली, मौके के ऊपर बैटिंग अच्छी की, नॉट आउट आए और इस रन चेज में एक कलीदी किरदार एंड में अदा किया जब प्रेशर पड़ गया था, विकेट शमसी ले गए थे। कई ब्राइट स्पॉट्स हैं, उस्मान कादर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टी20 आई की सीरीज़ में, इसी तरह से हसन अली की बहुत अच्छी वापसी हुई है। कैनवस बढ़ जाता है आपके पास टैलेंट का, सिलेक्शन का, अगर इस तरह के जो बेंच प्लेयर्स हैं वो आते हैं और एक तरह से टॉप नॉचर्स बन जाते हैं। बट ओवरऑल बहुत बड़ी फतह, टी20 आई सीरीज़ जीते, मगर उससे इम्पॉर्टेंट फतह जो टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से जीती।